उसमें क्या होता है कि अगर 100 बाइक्स जा रही हैं तो 80 बाइक्स वहाँ पे रुकेंगी, चाहे वो रुक के पूछे इसका क्या हुआ है, क्या हुआ, किससे हुआ, एक्सीडेंट क्या है, वहाँ पे रुकेंगे, फ़ोटो खींचे, 112 पे कॉल करेंगे, 100 नंबर पे कॉल्स करेंगे। गाड़ियाँ जो होती हैं वो अगर वो 100 गाड़ियाँ जा रही हैं तो 50 गाड़ियाँ वहाँ पे रुकेंगी, 100 नंबर पे आपको कॉल करनी है करो, 112 पे कॉल करनी है करो। अगर आपको सिर्फ उतना ही काम करना है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, 112 पे कॉल कर दिया आपने, प्लीज़ आप आगे चले जाइए, उस रोड पे जाम मत कीजिए, क्योंकि पीछे से उसी जगह से एम्बुलेंस भी वहीं से आनी है, पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी भी वहीं से आनी है। पीछे जाम में 2 एम्बुलेंस फंसी थी आज के एक्सीडेंट में। अब आप यकीन मनाओ जिसको ये कॉल्स कर रहे हैं वही पीछे जाम में फंसी होगी, तो बाइक कैसे, तो चाहे आपको वो किसी भी रूप में हो आप उसकी मदद के पीछे करने से हटना मत, कि डरना मत कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। आप सही कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला आपको अपना जरिया बना रहा है, जिसको आप पूछ रहे हो अगर वो आपको अपना जरिया बना रहा है तो किसी अच्छे काम के लिए होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा। कोई हॉस्पिटल आपको टॉर्चर, कोई वैसे जो होती है ना फॉर्मेलिटीज कि आप कहाँ थे, ये क्या था, आपको कोई तंग नहीं किया जाता, कोई पुलिस वालों की तरफ से आपको तंग नहीं किया जाता, इवन हॉस्पिटल्स वाले तो ये भी पूछते हैं कि आपको अपना नाम लिखवाना है नहीं लिखवाना है। नमस्कार फरीदाबाद। आमतौर पर जब सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं तो लोग तमाशबीन बनकर वहाँ खड़े होते हैं, कुछ लोग अपने नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को एम्बुलेंस को फ़ोन भी कर रहे होते हैं, लेकिन सड़क पर तड़पते हुए उस आदमी के लिए शायद ही कोई आगे बढ़कर आता हो जो उसे उठाकर अपने वाहन से अस्पताल ले जाता हो। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में मनोज मंगला जी। नमस्कार। और मनोज जी उन अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तियों में से हैं जो लगातार सड़क पर पड़े ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। उन्हीं के साथ आज बातचीत करेंगे और आज उस वाक्य को भी ताज़ा करेंगे जो आज इस शहर में घटा है। एक इको वैन ने 2 लोगों को टक्कर मारकर, 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारकर घायल किया, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जी मनोज जी। नमस्कार सौरभ जी, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करूँगा जी कि आज जो घटना हुई उसको देखते हुए आपने मुझे कहा कि एक बार स्टूडियो में पब्लिक के सामने, मेरे अपने खुद में इच्छा थी कि आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से मैं भी कुछ बातें करना चाहता हूँ जी, जो एक बहुत गंभीर विषय है। शायद मनोज जी कैसे लगता है आपको, आमतौर पर बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर दुर्घटना को देखते हैं, देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो ठिटकते हैं और वहीं से पुलिस को, वहीं से मीडिया को, वहीं से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं कि आप आएँ, यहाँ एक दुर्घटना हो गई है, और शायद ही कोई होता हो जो उस सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति को उठाकर अपनी गाड़ी में, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी गाड़ी भी गंदी हो जाती होगी अभी भी सर ब्लड से, एज ऑन डेट भी अभी भी, आज भी पीछे वाली गाड़ी पूरी ब्लड में है सर, अभी भी मैंने पता नहीं अभी तक कितनी बार गाड़ी को वो करवाया हुआ है सर्विस, मतलब इसके पीछे जो क्लीनिंग वगैरह होती है पता नहीं कितनी, एज ऑन डेट आज भी मेरी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर पूरे में ब्लीडिंग हुई पड़ी है। तो मनोज जी कैसे मिली ये प्रेरणा, कैसे मिली, कैसे लगा आपको सर, कि आपको शुरुआत तो हाँ आपका सबसे अच्छा सवाल है, शुरुआत जो मेरी हुई हम बचपन में नानी के यहाँ पे जाते थे, अब तो बच्चे गेम्स वगैरह और में लगे रहते हैं, बट हम बचपन में जब छुट्टियाँ होती थी तो नानी के घर पे जाते थे, तो मेरे नाना जी हैं मास्टर धनीराम सिंगला जी, वो चंद्रावली गाँव में हेडमास्टर रहे हैं और मच्छगर गाँव में आज भी बच्चा उनको बहुत दिल से प्रे करता है, तो वो भगवान के चरणों में है, तो जब हम वहाँ जाते थे तो वो हमें बहुत छोटी छोटी बातें सिखाते थे जो उनके बचपन, मतलब उन्होंने जो सीखी हुई थी, तो वो इस चीज सिखाते थे कि बेटा अपने अनुभवों से, अनुभव बहुत अच्छा अनुभव था, आज भी बल्लभगढ़ मचगर चंदावली जो उधर का एरिया है उसमें आज भी वो बहुत अच्छे उससे नाम से जाने जाते हैं और उनको एक बहुत इज्जत भाव के तरीके से उनको देखा जाता है आज भी, तो जो हम चीज़ सिखाते थे वो कहते थे बेटे अगर आपको ऊपर वाला जो भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं सुबह शाम, वो ऊपर वाला भगवान धरती पे कभी नहीं आता है, वो किसी ना किसी को किसी की मदद करने के लिए एक जरिया बनाता है, और अगर वो भगवान आपको कभी भी किसी भी रूप में अगर वो जरिया बनाए तो आप उसमें हिचकिचाना मत, पीछे मत हटना, ये मत सोचना कि इसके ये मुसीबत है तो इसमें मेरा क्या, अगर ऊपर वाला आपको वो कुछ करने की जरिया बना रहा है, किसी की मदद करने का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मदद किसी भी रूप की हो सकती है, चाहे किसी को आप 1 पैसे की टॉफ़ी भी दिलाओगे, उस समय तो हमें कोई 20-20 पैसे पर 5 पैसे की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, तो चाहे आपको वो किसी भी रूप में हो आप उसकी मदद के पीछे करने से हटना मत, कि डरना मत कि आगे इसका परिणाम क्या होगा, आप सही कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला आपको अपना जरिया बना रहा है, जिसको आप पूछ रहे हो अगर वो आपको अपना जरिया बना रहा है तो किसी अच्छे काम के लिए होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा।
आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जब ये मेरे दोस्त है एक, उसने बोला कि तू ये वीडियोस फोटोज पोस्ट किया कर ताकि पब्लिक थोड़ा सा, और कोई एक तो निकलेगा 100 में से कोई एक तो होगा, हम ऐसे होते हैं जो कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, किसी को देखते हैं तो उससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, शायद मैं भी करूँगा। तो इस सब के लिए कई बार जिला प्रशासन की ओर से मनोज जी को सम्मानित भी किया गया है 26 जनवरी 15 अगस्त पर। कितनी बार अभी तक ऐसा हुआ? मेरे को CM मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बार अभी सम्मानित किया था, पिछले 15 अगस्त को ही सम्मानित किया था। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब जैसे आज मैं आपसे मिलता हूँ, अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ, मैं एक ओल्ड फरीदाबाद में एक शॉप है, रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मैं उस दुकान पर चढ़ा, मैं और गौरव तंवर में जो मेरे दोस्त हैं, हम दोनों थे, रात का टाइम था, हम उसकी दुकान में चढ़े। अब यकीन मानोगे उसने मेरे से छूटते कहा आप मनोज मंगलाओ, मैंने कहा हाँ भाई, कह रहा भाई जी मैं आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं, मैंने आपकी बहुत पोस्ट देखी हैं, मैंने मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? अब सीरियसली मैं सोचता हूँ उस समय मेरे लिए क्या एक बहुत एक अलग ही अचीवमेंट थी मेरे लिए, मिलता है बहुत अचीवमेंट थी मेरे लिए अलग सी, बहुत बढ़िया। तो मनोज जी कितनी बार, जैसा हमने पूछा कि कितनी बार ऐसा हुआ? सर मोर देन 100 से ज़्यादा हो गया, मैंने काउंटिंग कभी करी नहीं है, जैसे मोस्टली मैं फोटोज़ ये सब पोस्ट भी नहीं करता हूँ, मोस्टली ऐसा होता है कई बार तो इतना टाइम भी नहीं होता कि आप उसके साथ वो सब चीज़ें करो, बट हाँ मोर देन 100 से ज़्यादा, मोर 50 भी हो सकते हैं, 150 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कि मंथ में 3-4 तो हो जाते हैं ऐसे केसेस कि जिनको मैं हॉस्पिटल पहुँचा देता हूँ, जिनको हॉस्पिटल, तो कई बार लोग ठीक हो जाते होंगे, कई बार नहीं भी हो पाते होंगे। सर यकीन, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी एक मतलब 6-7 महीने पुरानी बात होगी, मैं यहाँ पे से जो अपना मुजेसर वाला है वहाँ से एक दो थे उनको लेके मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे कोई जेंट्स थे, उनकी बिटिया थी, वो अपनी बिटिया को लेके हॉस्पिटल बल्लभगढ़ हॉस्पिटल में मेरे पीछे के, उनको जैसे लगा कि मैं जो देख लेके उनको गया, वो मुझसे मिलने स्पेशल वहाँ पे आए थे बल्लभगढ़, कि मनोज जी मैं सिर्फ, मेरे को आपका नाम भी नहीं पता, जैसे मैंने बताया कह रहा मैं सिर्फ आपसे मिलने आया, क्योंकि वहाँ पे 60-70 लोग खड़े थे बट कोई एक हिम्मत नहीं कर रहा था, आप आए, आपने इंस्टेंट अपनी साइड में जहाँ भी गाड़ी लगाई आप सीधे वहाँ पे आए कि इसको मेरी गाड़ी में बैठाओ, आपने सिंगल एक मिनट वेस्ट नहीं करा और इंसान आज शायद बच गया है, और जो उसके घर वाले उसकी फैमिली जो भी, क्योंकि हम, मैं अगर कहीं हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ मैं उनकी फैमिली को कॉल्स करता हूँ कि आप आ जाइए, ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे वो मतलब इतने ज़्यादा, जैसे अगर कोई बुज़ुर्ग भी हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैं इस बच्चे के पैर पड़ लूँ। मतलब एक माता जी तो गाजियाबाद के थे, उसको यहाँ पे अजरौंदा के यहाँ पे फ्लाई ओवर पर उसकी ये हड्डी क्रैक हो गई, तो 20 मिनट से पड़ा था, उसको मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल वालों ने, बीके वालों ने मना कर दिया कि इसका एक्सरे नहीं होगा जी, हमारे पास 4:30 बज रहे थे, 4 बजे का टाइम था कुछ, उन्होंने कहा जी इसका एक्सरे नहीं होगा, फिर मैंने उसको बाहर एक्सरे वगैरह करवा के उसको भेज दिया, वो यकीन मानोगे 8 से 10 दिन बाद मुझे कॉल करके मेरे ऑफिस पर अपनी मदर को लेके आया, उसकी मदर ने कहा कि मुझे उस लड़के से मिलना है। तो फरीदाबाद आप समझें, सड़क पर आम तौर पर आप भी देखते हैं और जब हम गुजर रहे होते हैं सड़क से, तो बहुधा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ तड़प रहा होता है और हम उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से गुजर कर चले जाते हैं। ये जी सर मैं बोलना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं ना हम गुजर कर चले जाते हैं, आप, मैंने जितने केसेस में देखा है उसमें क्या होता है कि अगर 100 बाइक्स जा रही हैं तो 80 बाइक्स वहाँ पर रुकेंगी, चाहे वो रुक के ये पूछें इसका क्या हुआ है, क्या हुआ, किससे हुआ, एक्सीडेंट क्या है, वहाँ पे रुकेंगे, फ़ोटो खींचे, 112 पे कॉल करेंगे, 100 नंबर पे कॉल्स करेंगे, गाड़ियाँ जो होती हैं वो, अगर वो 100 गाड़ियाँ जा रही हैं तो 50 गाड़ियाँ वहाँ पे रुकेंगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आप भी देखते होंगे रोड पे कहीं भी जाम हो रहा है, मेरे को तो एज ऑन डेट तो मैं अपना बताता हूँ, अगर कहीं भी रोड पे जाम हो रहा है ना तो 80% चांसेस आपके यही होंगे कि वो एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा हुआ है। अब जब हम, जो मैं कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए, जो मैसेज देना चाहता हूँ मैं सभी को, कि जो भी वहाँ पे रुकते हैं आज की डेट में, एज ऑन डेट कोई हॉस्पिटल आपको टॉर्चर, कोई वैसे जो होती है ना फॉर्मेलिटीज़ कि आप कहाँ थे, ये क्या था, आपको कोई तंग नहीं किया जाता, कोई पुलिस वालों की तरफ से आपको तंग नहीं किया जाता, इवन हॉस्पिटल्स वाले तो ये भी पूछते हैं कि आपको अपना नाम लिखवाना है नहीं लिखवाना है, ठीक है, हमारा जो डर होता है ना, और इवन मैं जो अपने साथ जो करता हूँ, मैं कहाँ से उठा लाया और तुम नहीं तो नहीं मार दिया, कहीं तूने तो मार दिया। सेकेंडली क्या होता है, मेरा जो अपना एक मेरे अंदर भी, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ और सबसे बड़ी बात होती है जिसके घर से कोई इंसान जाता है उस समय वो सब कुछ भूल जाता है कि इसने शायद मेरी मदद की है नहीं कि वो उसी पर, मैं अपनी कोशिश ये करता हूँ मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, अगर कोई नई, जैसे आज का ही एक्सीडेंट है मैं उसके बारे में बात बताता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ जो एक्सीडेंट्स के प्लेसेस पे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नहीं जा सकते, आप लेके नहीं जा सकते, लेके मैं जा रहा हूँ, बट आप 4-5 जने, कोई भी 4-5 जने मेरे साथ एक बार चल दो हॉस्पिटल तक, भगवान ना करे, क्योंकि बहुत मेजर इंजरीज हो, जैसे आज का जो इंसिडेंट है उसकी याददाश्त कुछ कि मेरा किससे एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक पे था, उसको कुछ याद नहीं है, ठीक है, कल की डेट में मैं एक्सक्यूज़ में ना हो जाऊँ कि जी
कहाँ था, क्योंकि वो पब्लिक तो चली गई अपने आप, कहते हैं ना कि उसका कोई नाम पता नहीं होता, भीड़ का कोई नाम पता नहीं होता है। एग्जैक्टली तो उस समय मैं ये कोशिश करता हूँ कि 5-6 लोग मेरे साथ चलें, अगर वो भी जब नहीं होते हैं तो मैं उस समय ये कोशिश करता हूँ कि अकेला ही उसको लेके जाऊँ पर वहाँ पहुँचाऊँ। उसमें ऐसा हो चुका है कि आज जैसा आज का सीन था, वो लड़के उस आदमी को मेरे पास वीडियो भी मैंने डाली अभी, उसको ये याद नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट किससे हुआ है, कहाँ हुआ। अपनी आइडेंटिटी याद थी उन्हें कि मैं अपनी आइडेंटिटी, हाँ उन्होंने मेरे को अपना नाम विजय बताया, अपनी वाइफ का भी बताया कि मैं बल्लावड़ चावल कॉलोनी में रहता हूँ, बट और कुछ उन्हें ज़्यादा याद नहीं था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 112 पे कॉल मत करो, 100 नंबर पे आपको कॉल करनी है करो, 112 पे कॉल करनी है करो। अगर आपको सिर्फ उतना ही काम करना है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, 112 पे कॉल कर दिया आपने, प्लीज़ आप आगे चले जाइए, उस रोड पे जाम मत कीजिए, क्योंकि पीछे से उसी जगह से एम्बुलेंस भी वहीं से आनी है, पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी भी वहीं से आनी है। वो जाम की वजह से वो सायरन आज की वीडियोज़ में आपको दिखा दूंगा अभी, उसमें 102 एम्बुलेंस को तो मैंने निकाला है वहाँ से, पीछे जाम में 2 एम्बुलेंस फंसी थी आज के एक्सीडेंट में। अब आप यकीन मानो जिसको ये कॉल्स कर रहे हैं वही पीछे जाम में फंसी होगी, तो भाई कैसे। वो जो शुरुआती दौर होता है, वो जो समय होता है, वो बहुत बहुत क्रूशियल होता है, उसमें होता है व्यक्ति की जान बचनी होती है जी। उसमें होता क्या है कि चारों साइड से उसको घेर लेते हैं, उसको हवा पानी कुछ आने नहीं देते हैं, चारों साइड से उसको घेर के खड़े हो जाएंगे, तो उसको ना हवा मिल रही ना पानी मिल रहा है। आपको सिर्फ अगर इतनी फॉर्मेलिटीज करनी है कि आपको 112 पे कॉल करना है, आपने अपना कर्म कर दिया, आपने बहुत अच्छा अपना कर्म निभाया है कि किसी की जान बचाने के लिए आपने एक एफर्ट्स तो करा है। मैं नहीं कहता कि नहीं, जो देख के चले जाते हैं वो एक अलग है, आपने कुछ एफर्ट्स करा है, बट अगर आपने जो अपना एफर्ट्स कर दिया उसके बाद आप अपने घर चले जाओ, अपने काम पे चले जाओ। और जो बंदा या मेरे जैसे या मेरे को वो बंदे को आप देखोगे तो उसको उठा के सेकेंड साइड सर्विस रोड पर लेना पड़ा, किस लिए, क्योंकि उस रोड पे पीछे तक जाम था, मैं बैक गाड़ी लेके वहां तक उस पोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकता था, पहुंच ही नहीं सकता था मैं। तो मेरा कहना ये है कि वहां पे आप जाम ना लगाएं, वहां से अगर आपको कोई इसके लिए सहायता करनी है आप करें, नहीं करनी है तो आप अपना जाएं, कम से कम उस इंसान को थोड़ी सी एक तो साहस भी मिलेगी और दूसरा क्या होगा कि कोई जो जा रहा है वो उसकी हेल्प कर पाएगा, वो हेल्प कर पाएगा। कहाँ से आए थे लोग? तकरीबन कुछ देर पहले हमारे दो युवक आए थे, अजीत और विजय, उनका एक्सीडेंट बढ़कर चौक के यहीं आसपास में हुआ था, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों को सेम गाड़ी ही मार के भाग दिया। उस वक्त कुछ लोग और पुलिस वाले ईआरबी मशीन उनको सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक अजीत पेशेंट की मृत्यु हो गई। हमने सीपीआर में काफी कोशिश की लेकिन उनको बचा नहीं पाए। वही दूसरा पेशेंट विक्रम जो है उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन उनकी एक आंख सूजी हुई थी, ये लगा जा सकता है कि उनके सर में शायद कहने को इंजरी है। तो अभी जो विक्रम जो विजय पेशेंट है उनके हमने प्राथमिक उपचार देकर उनको रेफर कर दिया दिल्ली के लिए, और जो अजीत पेशेंट है उनके हमने कार्यकर्ताओं को उसके बारे में जानकारी दे दी गई है, और अभी उनकी जो बॉडी है उसको हमने सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी। सर ऐसे मौके पर कुछ लोग ना तमाशबीन बन जाते हैं मदद करने की वजह, क्या अपील हो? मेरा तो यही कहना है कि तमाशबीन ना बनके अगर हाथ बढ़ा के मदद की तो अच्छी होगी, जान बच जाए, क्या पता किसी की जान बच जाए, किसी घर का चिराग बुझने से बच जाए, ये अच्छा ही होगा। थैंक यू। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।